हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में, और रिसर्च के अंदर जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल और शिकागो स्टाइल। दोस्तों, इसमें से अभी तक 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखना ताकि आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखिए, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था ये है क्वेश्चन नंबर 52। इसके अंदर इन्होंने जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, एपी स्टाइल, उसके बारे में पूछा हुआ है कि एपी स्टाइल का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो सभी ऑप्शन लगभग सेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि एपी स्टाइल क्या होता है। इससे पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे रिपीट हुए हैं पेपर में। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर इन्होंने एमएलए स्टाइल के बारे में पूछा हुआ है। पहले इन्होंने एपी स्टाइल के बारे में पूछा था, अब एमएलए स्टाइल के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, उसके फॉर्मेट के बारे में। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो चारों के चारों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सेम दे रखे हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। और वही फ़र्क हमें पता करना है कि एमएलए स्टाइल में क्या है और एपी स्टाइल में क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको जो रिपीट हुआ है यहीं से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने अब फिर से एपी स्टाइल के बारे में पूछ लिया। पहले इन्होंने क्या था, एक फॉर्मेट दिया था, एक रेफरेंसिंग सोर्स उन्होंने दिया था, पूरा लिख के एग्जांपल दे रखा था उन्होंने, उसमें हमें चूज़ करना था। अब इन्होंने ये दिया है कि इसका प्रारूप जिसे कहते हैं, फॉर्मेट जिसे कहते हैं, वो लिखित में दिया है कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि छोटी कृतियाँ जैसे जर्नल, आलेख तथा निबंध के शीर्षक तीछा करके लिखेंगे। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है भी एपी स्टाइल के अंदर कौन कौन सी बातें होगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इन तीनों स्टाइल के बारे में कि ये किस तरह से होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एमएस वर्ड के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एपी स्टाइल की, कि इसका फॉर्मेट क्या होता है और हमें इसमें किन चीज़ों का, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हम एपी स्टाइल फॉर्मेट की। ठीक है, एपी स्टाइल फॉर्मेट में क्या होता है कि जो लास्ट नेम है वो पहले आता है और फर्स्ट नेम है वो बाद में आता है। और यहाँ पर अगर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की बात करें तो जैसे राजेश कुमार है किसी व्यक्ति का नाम, तो राजेश है वो हो गया हमारा फर्स्ट नेम और जो कुमार है वो हो गया लास्ट नेम। ठीक है, इस तरह से होता है। और जब हम रेफरेंस दे रहे हैं उसके अंदर और क्या होता है कि देखिए, ये लिख लिया हमने, लास्ट नेम लिख लिया, फर्स्ट नेम लिख लिया, उसके बाद ईयर, यानी कि उस व्यक्ति ने वो जो बुक है कब पब्लिश की है वो ईयर हमें लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद में जिस बुक से हमने रेफरेंस लिया है उस बुक का टाइटल यानी कि नेम जो भी है वो हमें लिखना है। उसके बाद हमें पहले यानी कि कहाँ से वो पब्लिश हुई है वो लिखना है, और उसके पब्लिकेशन का नाम लिखना है यानी कि किसने पब्लिश की, कौन सी कंपनी से, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस से वो पब्लिश हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें साथ में एग्जांपल भी दिया है जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखिए, लास्ट नेम ये आ गया, कुमार आ गया। ठीक है, जैसे कि हम राजेश कुमार का एग्जांपल लेके चलते हैं तो कुमार आ गया। ठीक है, और फर्स्ट नेम के अंदर होता है जैसे राजेश हो गया, लेकिन एपी स्टाइल के अंदर क्या है कि कोई भी अपना फर्स्ट नेम है तो उसका जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट अक्षर जो होता है, जैसे फर्स्ट वर्ड जो होता है आर, वो हमें लिखना है। अगर सुनील होता है तो उसका होगा एस। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। और उसके बाद क्या होता है,
ईयर, ईयर होता है इस तरह से, ये देखिए ईयर को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मान के चलते कि 2015 में उसने पब्लिश की थी बुक, तो 2015 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बुक टाइटल, बुक का जो भी नेम है वो हम लिखेंगे, ये हो गया अपना बुक टाइटल। ये देखिए इफ़ेक्ट ऑफ मीडिया, ये हमने लिख दिया बुक का टाइटल लिख दिया। और एक चीज़ और दोस्तों, एपी स्टाइल में कई जगह ये जो बुक टाइटल है ये इटैलिक में भी दिया हुआ होता है और सिंपल भी दिया हुआ होता है, ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, पैलेस लिखना है, पैलेस यानी कि कहाँ से वो पब्लिश हुई है वो लिखना है, ये हमने रोहतक लिख दिया। और उसके बाद हमें लिखना है पब्लिकेशन, पब्लिकेशन यानी कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस से या कौन सी कंपनी से वो पब्लिश हुई है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अजंता पब्लिकेशन, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इसके अंदर ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है इसी में मैं आपको समझा देता हूँ कि एपी स्टाइल में सबसे पहले जो लास्ट नेम होता है वो आएगा, लास्ट नेम हो गया हमारा ये शर्मा, ठीक है, और फर्स्ट नेम हो गया वी, इसमें कोई विजय वगैरह या जो भी है वो नाम होगा, इसके अंदर फर्स्ट वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद में जो अपनी ईयर होती है, ईयर इसने दे दी 2010 ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसने जो बुक का नेम है वो दे दिया, इसने दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसने पैलेस दे दिया, कहाँ से पब्लिश हुई है वो इसने दे दिया, न्यू दिल्ली दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, टाटा मैग्रो हिल यानी कि जो पब्लिकेशन है, कहाँ से उसने पब्लिश करवाई है बुक, वो इसका नेम दे दिया, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है, वो और आपको बता रहा हूँ मैं क्या रखनी है। अब देखिए ये है कि अगर इसमें देखें हम इन सभी ऑप्शन के अंदर, ये देखिए ऑप्शन ए और डी जो है ये दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं हमें, ठीक है, कहीं भी हमें फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी और सी की बात करें तो ये भी हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं फ़र्क है, ठीक है। तो अब ये देखते कि इसका आंसर जो है वो ए ही क्यों आया है, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात तो जो ये थी, ईयर है, ईयर हमारी ब्रैकेट के अंदर आएगी, ये देखिए ये मैंने बता रखी है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर किसके अंदर है, ए और डी के अंदर है, बी कट जाएगा और सी कट जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अब बारी आती है ए और डी की, भाई ए और डी में ऐसा क्या डिफरेंट है, तो इसमें देखिए कि आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट नेम के बाद इन्होंने कोमा दिया है इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद डॉट दिया है, फिर ईयर के बाद डॉट दिया है, फिर बुक के बाद डॉट दिया है, पैलेस में ये डबल डॉट दिया है इस तरह से, ठीक है, पब्लिकेशन के बाद फिर डॉट दिया है, ये सारी चीज़ें दी है, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं यहाँ पे कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसमें शर्मा के अंदर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसने डॉट दिया, सॉरी कोमा दिया है, ठीक है, कोमा दिया है इसने, और फिर बाद में डॉट दिया है इसने, वी के बाद इसने डॉट दिया, देखोगे आप 2010 के बाद डॉट दिया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस के बाद डॉट दिया है, और फिर डबल डॉट दिया है न्यू दिल्ली के में यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन अगर आप डी ऑप्शन पे आते हो, यहाँ पे ये देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ये देखिए इसने कोमा दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसने गलती कर दी, और सब कुछ सेम है इसका, लेकिन यहाँ पे इसने कोमा दे के गलती कर दी। तो और इसमें क्या होता है कि जब हम बुक का नेम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, डॉट आता है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे कोमा दिया है, तो इस चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। और अगर चीज़ें देखोगे ए और डी के अंदर सेम मिलेगी आपको, लेकिन केवल और केवल इस कोमा का और इस डॉट का ये आपको फ़र्क मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें बड़े ध्यान से बारीकी से देखनी पड़ेगी, तब जाके हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को लगता है आपको अच्छे से आ गया होगा ये, और अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, ठीक है। और इसी बेस पे अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2015 के अंदर,
इसने पूछा हुआ है कि एपीए स्टाइल के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। पहले तो उसने क्या था कि एक एग्ज़ाम्पल दे दिया, उसमें हमें एलिमिनेट करना था, उसमें हमें बताना था। लेकिन इसने ये बातें दी हैं कि कौन कौन सी बातें उसमें होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने एपी स्टाइल में अभी पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो लास्ट नेम है वो पहले आएगा और फर्स्ट नेम है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर दिया हुआ है, इन्वेंटर्स ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, ये देखिए ये इसने बात दी है, ठीक है। और हमने अभी देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम पहले आएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी आएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आएगा ये देखिए, उसके बाद इटिलाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक और जर्नल, ठीक है। यानी कि बुक और जर्नल वगैरह का जो टाइटल है वो दिया जाएगा और इटैलिक के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि कई जगह जो है एपी स्टाइल में सीधा लिख देते हैं ये बुक टाइटल, ठीक है, और कई जगह ये इटैलिक करके देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर जो आंसर होगा हमारा टू होगा, ऑप्शन नंबर टू होगा, ठीक है, बी सी और डी। और इसने चौथा जी दिया है अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर एपी स्टाइल में हम लिख रहे हैं और काफ़ी तरह के हमें रेफरेंस स्टाइल लिखने हैं, तो उसके अंदर जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ रहे हैं उन्हें हम लिखेंगे, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले पहले लिखेंगे, बी से होने वाले बाद में लिखेंगे, इस तरह से अल्फाबेटिकली हम उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप ये करके देखना, आपको आ जाएगा। और अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते कि उसमें किस तरह से हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने 2012 से लेके जुलाई 2018 तक सेपरेट टॉपिक वाइज पेपर फर्स्ट की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से आज तक जितने क्वेश्चन आए वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग कर रखे हैं, जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हमारी इस पीडीएफ से दोस्तों जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो ये पीडीएफ ले सकता है। अब ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, जून 2013 के अंदर आया था ये, इसमें इन्होंने एमएलए स्टाइल के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एमएलए स्टाइल के अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पे बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वही होता है कि लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम फिर बाद में आएगा, ठीक है। और फिर आएगा बुक नेम आएगा, फिर पैलेस आएगा, फिर पब्लिकेशन आएगा, फिर ईयर आएगा, ठीक है। लेकिन एपी स्टाइल के अंदर क्या था, ये जो ईयर था ये यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था, फर्स्ट नेम के बाद में दिया हुआ था और किस में, ब्रैकेट में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, ये यहाँ पे सिंपल इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ से उठा के इन्होंने पीछे दे दिया है, ठीक है। आपको बात समझ में आई, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए एपी स्टाइल के अंदर, ये देखिए एपी स्टाइल के अंदर इन्होंने जो ईयर है यहाँ पे दिया हुआ है, और लेकिन उसके अंदर एमएलए स्टाइल के अंदर जो ईयर है वो हमारा लास्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, और इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि लास्ट नेम हो गया कुमार हो गया, ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया राजेश, और इसमें जो राजेश है वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ना कि आर वर्ड, आर नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट नहीं लिखा जाएगा, पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में बुक नेम आ गया, ये देखिए इफ़ेक्ट ऑफ टीवी आ गया, उसके बाद में पैलेस आ गया, रोहतक आ गया, पब्लिकेशन आ गया अजंता पब्लिकेशन, और फिर ईयर आ गया 2015 आ गया, ठीक है। और अब हम इसमें चलते हैं हमारे क्वेश्चन में, इसमें देखिए इसमें सभी में सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस वही जो हम कॉमे की जो बात कर रहे हैं वो इसमें डिफरेंट है, ठीक है।
तो हम कोई दो ऑप्शन लेके चलते, जैसे बी और डी हम लेके चलते, इसमें क्या डिफरेंट है। और पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर कि कोमा और डैश कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखिए, एक तो फर्स्ट नेम के बाद में यहाँ पे है कोमा लगा हुआ है, और फिर पब्लिकेशन के बाद में कोमा लगा हुआ है। ये इन दो जगह पे कोमा है और सभी जगह पे डैश दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, सॉरी डॉट दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं हम कौन से में ये सही बैठता है। अब ये देखिए, हम सी और डी लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो गलती है वो तो हमें ये ही मिल गई। ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने डैश दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्या है, डैश नहीं आएगा, डॉट आएगा, और डबल डॉट आएगा। ये देखिए, डबल डॉट इस तरह से आएगा। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, पब्लिकेशन के बाद में डबल डॉट आएगा इस तरह से, ना कि इस तरह से डैश नहीं आएगा, डबल डॉट आएगा ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि यहाँ से अपना एक तो क्लियर हो गया कि सी नहीं आएगा, ठीक है। और अगली हम बात करते हैं कि जो हमारा कोमा था, कोमा हमारा दो जगह आ रहा था, ठीक है। अब हम बी लेके चलते हैं। बी के अंदर ये देखिए, होल के बाद में इन्होंने कोमा दे दिया, फिर डोनाल्ड के बाद कोमा दे दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बाद कोमा दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन है गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम चलते हैं, जैसे डी ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हाल के बाद कोमा है, ठीक है। डोनाल्ड के बाद में डॉट दे दिया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद डॉट दे दिया, ठीक है। न्यू दिल्ली के बाद में डबल डॉट दे दिया इस तरह से, और फिर ये दे दिया पेरेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, फिर इन्होंने ये कोमा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपनी सारी की सारी ये जो कंडीशन बताई गई है, इसमें जो बताई गई है, ये सारी की सारी अपनी डी के अंदर लागू होती है, तो हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है, या फिर मेरे से कुछ गलत कहा गया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमने दो रेफरेंसिंग स्टाइल कर लिए हैं, एपी स्टाइल और एमएलए स्टाइल, ठीक है। अब बात करते हैं शिकागो स्टाइल के बारे में, हो सकता है इसके बारे में पूछ ले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, बुक जो टाइटल है दोस्तों वो इटैलिक आएगा और बोल्ड आएगा। इसमें ये दो चीज़ आएगी, एक तो बोल्ड आएगा और एक इटैलिक आएगा, ठीक है। पहले इस पब्लिकेशन ईयर, और यहाँ पे ये कोमा आएगा, ये चीज़ ध्यान में देनी है, और यहाँ पे ये कोमा आएगा। ये तीन चीज़ ध्यान में देनी है, एक तो ये कोमा, एक ये कोमा, और बुक नेम बुक का जो नेम है वो बोल्ड और इटालिक आएगा, ठीक है। ये हमें बात ध्यान में रखनी है, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अब की बार इसमें से पूछ ले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों स्टाइल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।